मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन के जन्मदिन के अवसर पर आज पक्ष विपक्ष के सभी लोग टंडन जी को बधाई देने उनके निवास पर पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि सिंधिया जी के भाजपा में आने से हम सब लोग भी भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम होंगे उसको दिल से पूरा करेंगे। प्रमोद टंडन जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुख और सुख आते जाते हैं और मैंने मेरे जीवन में दोनों चीजों को बांटा है। लड़ाई जब चुनाव होते हैं तब देखी जाती है, परंतु आज सभी एक साथ होते हैं। भाजपा हिंदुत्व को एक करने की बात करती है और सभी को लेकर चलने की इच्छा रखता हूं। और मेरा मीडिया से जो व्यवहार पुराना था वह आज भी है। जो मीडिया ने मुझे प्यार और स्नेह दिया है यह मेरे जीवन की अमूल्य कुंजी है और मैं इसे जीवन भर अपने साथ रखूंगा। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष यतेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रमोद टंडन जी के 13 सालों के कार्यकाल में एक छाप छोड़ी है। उसका एक उदाहरण यह है कि वह सभी कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे और हम इसी प्रेम और विश्वास के चलते प्रमोद टंडन जी को बधाई और शुभकामनाएं देने यहाँ आए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।